ये सर जी 10 दिन की ब्याई होगी। 10 दिन की ब्याई होगी। हाँ जी, शानदार अडर क्वालिटी की गाय है। हाँ जी, और साथ में ठंडे सील स्वभाव की है। बिल्कुल, ये गैबिन है। हाँ जी, कितने टाइम की? ये सर जी अभी 10-15 दिन ले लेगी जी। 10? तो मोल क्या रखोगे जी इसका? सर जी अच्छा, कितने दूध तक जा सकती है ये सर जी? मान के चलो ये दोनों ही गायें। हाँ जी सर जी, ये दोनों ही गायें 10-12 दिन की ब्याई हुई है। हाँ जी सर जी, अब की बार लॉटरी आई है। हाँ जी सर जी, ठीक है। इससे पहले 2 गाय थी। हाँ जी, उन मूल से ब्याज प्यारा। हाँ जी सर, किसान यही जानते हैं जी। गाय 8 गाय दिखा रहे हैं, 5 कवर हो चुकी है जी। हाँ जी सर जी, 3 इस गाय में भी हम बड़े साइज का है। हाँ जी, और 7 लीटर एक टाइम की उम्मीद है। हाँ जी सर, 14 लीटर की। हाँ जी सर जी, ठीक है। जो आपने, ठीक है, 3-4 हजार अगर एक गाय पे बन जाए तो अच्छा माना जाता है जी। हाँ जी सर जी, थार पार्कर की बछड़ी है जी। अच्छा, ये बछड़ी थार पार्कर की है। दीपक जी, भाई साहब, राम राम जी। राम राम जी, जय गौ माता। जय गौ माता भाई साहब जी। आज की वीडियो में कितनी गायें कवर करेंगे जी? 8 जी, 8। 8 गायें? हाँ जी। 4 गायें तो सामने बंदी हुई दिखाई दे रही है जी। हाँ जी जी। और 4 गायें अंदर बंदी हुई है। हाँ जी, तो पूरी डिटेल लेंगे जी। हाँ जी, 8 की 8 गायों को देखेंगे परखेंगे। बिल्कुल जी, साथ ही आज की वीडियो में दिखाई गई गायों की आपसे पूरी डिटेल भी जानेंगे। हाँ जी, दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखें। हाँ जी, हर गाय के बारे में पूरी और प्रॉपर डिटेल भाई साहब से लेकर दूंगा। हाँ जी, साथ ही कीमत भी जानूंगा अलग अलग। हाँ जी, आप व्यूअर्स वीडियो को अंत तक देखिएगा और साथ में वीडियो को लाइक भी जरूर से कीजिएगा। हाँ जी, क्योंकि गाय बड़ी जबरदस्त है। हाँ जी, साथ ही भाई साहब की एक खासियत खूबी और है कि भाई साहब प्राइस बड़ी रीजनेबल डिमांड करते हैं। हाँ जी, उम्मीद करेंगे आज के वीडियो में भी वैसी प्राइस रीजनेबल मिलेंगी। हाँ जी, इसलिए दर्शकों से ये अनुरोध दोबारा से कर रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें। लास्ट तक देखें और शेयर जरूर करें भाई साहब। शेयर जरूर से करें, लाइक करें। शेयर करने से हौसला बढ़ता है। हाँ जी हाँ जी, और साथ ही सर्दी के मौसम में भी बैटरी चार्ज हो जाती है। जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी, पूरी जानकारी लेंगे। हाँ जी, आपका अपना यहाँ का एड्रेस शेयर कर दो जी। श्री गंगानगर जिला, गांव 10-1 ठाकरा वाली और बस तहसील है जी। ठीक है जी, डिस्ट्रिक्ट भी श्री गंगानगर है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी। और मोबाइल नंबर भाई साहब आपके? 63-782-92-740 जी। ठीक है। हाँ जी, ये नंबर भी स्क्रीन पर दे रहा हूँ। हाँ जी, व्यूअर से निवेदन करूंगा कि नंबर नोट कर लें। हाँ जी, रेगुलर काम आने वाला है। हाँ जी, क्योंकि भाई साहब रेगुलर इसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, देसी गोपालन में। हाँ जी, तो पूरी जानकारी भाई साहब से ही लेंगे। हाँ जी, एक प्राइस की रेंज और दे दो जी। सर आज प्राइस 28,000 के लेके 55,000 तक है जी। 28,000 रुपए से शुरू हो जाएगी। हाँ जी, और लास्ट 55,000 रुपए तक की रेंज रहेगी। हाँ जी हाँ जी, तो शुरुआत करेंगे जी 1 नंबर वाली गाय से। हाँ जी, इसी की डिटेल शेयर कर दो जी। ये सर जी 10 दिन की ब्याई होगी। 10 दिन की ब्याई होगी। हाँ जी, 14 लीटर दूध तैयार है जी। ब्यांत कौन सा है भाई साहब? सेकंड बार में है। सेकंड बार में है। हाँ जी, दूसरे ब्यांत में है। हाँ जी, और बच्चा क्या है साथ में? बछड़ा है जी, मेल काफ है। हाँ जी, तो कितना खीस अभी रेडी है जी? ये अभी 14 लीटर तैयार है जी। 14 लीटर रेडी है। हाँ जी, अगर कोई मिल्किंग करके देखना चाहे तो कोई बात नहीं, कर सकते जी, दिखा सकोगे? हाँ जी, ठीक है जी। शानदार अडर क्वालिटी की गाय है। हाँ जी, और साथ में ठंडे सील स्वभाव की है। बिल्कुल जी। दूध कितने तक चली जाएगी जी? ये सर जी 16 लीटर जाएगी जी। 16 लीटर तक। हाँ जी, और आप मोल क्या लोगे जी इसका? इसका लेंगे सर जी 42,000 रुपए। 42,000? हाँ जी। अच्छा, दर्शक जो देख रहे थे, हाँ जी, समझ रहे थे कि बड़े एड्रेस है जी गाय, हो सकता है कीमत बढ़ी हुई मिले। हाँ जी सर जी, 42,000 रुपए डिमांड की है। हाँ जी, दर्शकों से निवेदन है कि कमेंट करके हमें जरूर से बताएं। जरूर बताएं कि ये प्राइस आपको कितनी रीजनेबल लगी। बिल्कुल जी। दूसरी गाय और देख लेते हैं। हाँ जी, ये 2 नंबर पर है जी, गदरी राठी। गदरी राठी जी, चोलिस्तानी राठी जिसको कहते हैं। ये कौन से ब्यांत में है भाई साहब? ये सर जी सेकंड में है जी, दूसरे ब्यांत में है। हाँ जी। अच्छा, ये गैबिन है। हाँ जी। कितने टाइम की? ये सर जी अभी 10-15 दिन ले लेगी। 10-15 दिन ब्याने में ले जाएगी। हाँ जी सर जी। क्या दूध क्षमता रही हुई जी इसकी? ये फर्स्ट बार में 13 लीटर डाला है। हाँ, तो अभी 16 मान के चलो सर जी। 16 लीटर की उम्मीद करें। हाँ जी सर जी, अब की बार 16 लीटर दूध क्षमता की उम्मीद है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है। 16 लीटर यानी कि 8 लीटर एक टाइम का। हाँ जी सर जी। हाँ, बाल्टी एक से ज्यादा भर जाती है 8 लीटर में। बिल्कुल, ठीक है। हाँ जी, तो मोल क्या रखोगे जी इसका? इसका सर जी 55,000 रुपए। 55,000? हाँ जी। 55,000 रुपीज। हाँ जी। फाइनल है जी? फाइनल है जी। या कुछ गुंजाइश है? बस जी, गुंजाइश पहले ही कर दी आपको, बोला है 28,000 से लेके 60,000 का, ये 55,000 रुपए जी। ये 55,000 की है जी। अपने को 5-6 हजार रुपए बन गया, बहुत है जी। बहुत है। हाँ जी, तो इतने में इनका गुजारा हो जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल जी, ठीक है। 3 नंबर वाली गाय और देख लेते हैं। ये भी ब्याई हुई है? हाँ, ये ब्याई हुई है सर जी। ये कितने टाइम की ब्याई होगी? ये होगी इसको 12 दिन हो गए जी आज। अच्छा। हाँ जी, तो ये पूरे दूध पे होगी जी? बिल्कुल जी बिल्कुल। कितने दूध पे आ गई है ये सर जी? अभी 12 लीटर डाल रही है। 12 लीटर? हाँ जी। 6 लीटर एक टाइम वाला? हाँ जी सर जी। इसके साथ बच्चा क्या है जी? बछड़ा है जी, मेल काफ है। हाँ जी।
अच्छा, कितने दूध तक जा सकती है ये सर जी? मान के चलो 13 लीटर डालेगी, मतलब 12-13 ही माने। हाँ जी सर जी, झूठ मारने का काम नहीं है सर। हाँ जी। अच्छा, कोई मिल्किंग चेक करना चाहे तो जी? कोई बात नहीं, करा सकते हैं जी। करवा दोगे? आके करो, कोई बात नहीं, बिल्कुल। ठीक है जी। हाँ जी, निवेदन है कि आए और आकर गायों को देखें परखें। हाँ बिल्कुल, दूध निकाल के भी देख लें। बिल्कुल, और गायें भी मिल जाती है। हाँ जी सर जी, वो भी देख सकते हैं। बिल्कुल जी। ठीक है, मोल इसका क्या लोगी जी? इसका सर जी 31,000 रुपए। 31,000 रुपए। हाँ जी सर जी, मीडियम प्राइस रेंज है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। 31,000 रुपीज। हाँ जी सर जी। ठीक है, ये ऊपर वाला 1,000 भी लोगे? बस जी सर जी, मान सम्मान कर देंगे। हाँ बस इतने है जी। इतना ही है? हाँ जी सर जी। ठीक है जी, 4 नंबर वाली गाय? ये थारपारकर है जी। थारपारकर, ये कौन से ब्यांत में है ये सर जी? सेकंड में है ये भी। सेकंड में ये भी? हाँ जी। दूसरे ब्यांत में है? हाँ जी। इसको ब्याह हुए कितना टाइम हो गया? इसको सर जी 12 दिन हो गया जी। 12 दिन? हाँ जी। तो यही 10-12 दिन की ब्याह हुई है? हाँ ये दोनों ही गाय? हाँ जी सर जी, ये दोनों ही गाय 10-12 दिन की ब्याह हुई है। हाँ जी सर जी। ये कितने दूध क्षमता की जी? ये सर जी 14 लीटर डाल देगी। 7 लीटर एक टाइम का? हाँ जी सर जी, 7 लीटर एक टाइम के दूध क्षमता की है। बिल्कुल जी। ठीक, अभी कितना निकलवा रही है? अभी सर जी 10 लीटर तो खीस निकाल रहे हैं इसका तुरंत, और बढ़ेगी? बढ़ेगी सर जी। ठीक है। हाँ जी, उम्मीद बढ़ने की है। हाँ जी। साथ में बच्चा जी? पीछे बछड़ी है जी। बछड़ी है? हाँ जी। अब की बार लॉटरी आई है? हाँ जी सर जी। ठीक है, इससे पहले 2 गाय थी? हाँ जी। उन दोनों के साथ बछड़े थे, ब्याह हुई के साथ? हाँ जी। इसके साथ बछड़ी है? हाँ जी। इसका मोल क्या रखोगे जी? इसका सर जी 41,000 रुपए लेना है। 41,000 रुपए? हाँ जी। 41,000 रुपीज। हाँ जी सर जी। हर गाय को भाई साहब स्वभाव भी टेस्ट करके दिखा रहे हैं। बिल्कुल जी। और साथ में जैसे ही प्राइस पूछते हैं खड़े हो जाते हैं, ताकि आप इसका कद मेजर कर पाए। बिल्कुल, गाय का कद कैसा है ये भी मेजरमेंट में आ जाना चाहिए। हाँ जी सर जी। बाकी खुद यहाँ विजिट करके इनको अच्छे तरीके से देखा परखा जा सकता है। बिल्कुल जी। 4 गायें कवर की है भाई साहब की, 4 और है बाकी बची हुई। हाँ जी, वो भी देख लेते हैं। ओके जी। दीपक जी, भाई साहब एक और आ गई जी राठी। हाँ जी सर जी। ये कौन से ब्यांत में है जी? ये सर जी सेकंड बार में है। सेकंड बार में है? हाँ जी। ये भी ब्याही हुई है? हाँ ये ब्याही हुई है जी। अच्छा, कितने दिन की ब्याही हुई है सर? ये सर जी मैं आपको सही बताऊँ, इसके पीछे बछड़ी थी, बछड़ी उन्होंने रख ली है जी। हाँ जी, बछड़ी रख ली है? हाँ रख ली उन्होंने। अच्छा। हाँ जी, तो आप गाय लेके आए हो? हाँ जी सर जी। ठीक है जी, तो बछड़ी का लालच किसान को रहता है जी। बिल्कुल जी, किसान को यही ब्याज प्यारा लगता है। बिल्कुल जी, मूल से ब्याज प्यारा। हाँ जी सर, किसान यही जानते हैं जी, गाय रखें अच्छी। हाँ जी, और उसकी बछड़ी मिल जाए तो बछड़ी को पाल लें और गाय को सेल कर दें। हाँ जी सर, ताकि गुजारा अच्छे से हो जी। ब्यांत कौन सा बताया जी? ये सर जी सेकंड बार में है। हाँ। 3 महीने की प्रेग्नेंट है ये। अच्छा, अभी गैबिन भी है? गैबिन है जी। अभी गैबिन भी है? हाँ जी। तो दूध निकाल रहे हो जी? हाँ जी, 4-4 लीटर निकाल रहे हैं। 4-4 लीटर? हाँ, सुबह शाम दोनों टाइम का मिला के? हाँ जी सर जी। एक टाइम का 4 लीटर? 4 लीटर, यानी कि 8 लीटर इसका दूध रेडी है। बिल्कुल जी। तो 8 लीटर की अगर कोई मिल्किंग करना चाहे तो जी? कर सकता है जी। कर सकता है? बिल्कुल जी। ठीक है जी, शानदार कदमे है। हाँ जी, और साथ ही स्वभाव की भी प्यारी है। बिल्कुल जी। प्रेग्नेंट 3 महीने की कन्फर्म है जी? कन्फर्म है जी। चेक करवा के दो? हाँ जी, हाँ जी, चेक करा के देंगे। ठीक है, मोल क्या लोगी जी इसका? इसका सर जी 28,000 रुपए। 28,000 रुपए? हाँ जी। 28,000 रुपीज। बिल्कुल जी। कलकम्बल भारी और सींग वाली गाय है। हाँ जी। दूध भाई साहब कह रहे हैं चेक करवा के देंगे। बिल्कुल जी। ठीक है जी, 8 गायें दिखा रहे हैं, 5 कवर हो चुकी है जी। हाँ जी सर जी, 3 गायें बाकी है। बिल्कुल जी। ये भी ब्याही हुई है? ये भी ब्याही हुई है सर जी। आज 4 गायें ब्याही हुई है? हाँ जी। और 4 ही गाबिन है? हाँ जी। ठीक है जी, इसके 5 है सर जी ब्याही। 5 ब्याही हुई, एक के साथ बछड़ी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। वो आप कह रहे हो जी बछड़ी किसान ने सेल कर दी। हाँ वैसे 6 है जी। अच्छा, वैसे 6 है? हाँ जी, हाँ जी। तो इसकी भी डिटेल दे दो जी फिर। ये सर जी फर्स्ट बार में ब्याही है, पीछे बछड़ी है जी। पीछे इसके साथ ही बछड़ी है जी। तो बछड़ियों वाली 2 गायें होगी आज के वीडियो में। हाँ जी। ठीक है, ये कितने दिन की ब्याही होगी? ये सर जी अभी 2 ही दिन की ब्याही हुई है। 2 ही दिन की ब्याही हुई है? हाँ जी। अच्छा, गाय का ब्यांत कौन सा है जी? ये सर जी फर्स्ट बार में ब्याही है। पहली बार में? पहली बार में। खारकी है? हाँ जी, खारकी है। और बछड़ी ले आई है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, इसका कितना खीस निकाल रहे हो जी? सर जी अभी 2.5 लीटर खीस निकाला है एक टाइम का। हाँ, झूठ मारने का कोई काम नहीं है। हाँ, हाँ जी। और कितने दूध तक उम्मीद है जिसकी? ये सर जी 10 लीटर मान के चलो सर जी, बड़े उम्मीद रखनी पड़ेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। पहला ब्यांत है तो उम्मीद पर ही लेनी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि पुराना रिकॉर्ड तो है नहीं। बिल्कुल जी, तो नए में रिकॉर्ड बनाएगी। हाँ जी सर जी। ठीक है, कितना मोल लोगी जिसका? इसका सर जी 25,000 लेंगे। 25,000 रुपए रखोगे? हाँ जी। 25,000 रुपीज? हाँ जी सर जी। ठीक है जी, आपकी 2 गायें और बची है वो भी कवर कर लेते हैं। हाँ जी सर जी। ये है 7वें नंबर पर। हाँ, बिना सींग वाली? हाँ जी सर जी। बड़े हम वाली? हाँ जी। गाय इससे पहले भी जो देखी थी उसमें भी बड़े साइज का हम्प था। हाँ जी। इस गाय में भी हम्प बड़े साइज का है। हाँ जी। और ऐसा ही ये जो अगली गाय है इसके अंदर भी है। हाँ जी। ये बिना सींग में है। हाँ जी। स्वभाव आप परख सकते हैं, भाई साहब परख कर भी दिखा रहे हैं। हाँ जी सर जी। क्या डिटेल है भाई साहब? ये सर जी सेकंड वन में है, अभी प्रेग्नेंट है जी। हाँ हाँ जी, प्रेग्नेंट है। हाँ, ये कितने टाइम की जी? ये सर जी 6 महीने की है जी। 6 महीने की क्या बिन है? हाँ जी, 6 महीने। अच्छा, चेक करवाई होगी सर जी? चेक करवा ली आपने? हाँ, चेक करवा के लेंगे। चेक करवा के लेके आए? हाँ जी सर जी। 6 महीने ही कंफर्म क्या बिन है? कंफर्म है जी।
तो 3.75 महीने और बाकी है। हाँ जी सर जी। 9.75 महीने ब्याती है। हाँ जी सर जी। तो अभी 3.75 महीने बाकी है। हाँ जी सर जी। ठीक है, क्या दूध क्षमता की जी? ये सर जी फर्स्ट बेर में 12 लीटर डाला है इसने। हाँ। तो अभी मान के चलो 14 लीटर डाल देगी आराम से। अब की बार 7 लीटर एक टाइम की उम्मीद है। हाँ जी सर। 14 लीटर की। हाँ जी सर जी। ठीक है, जो आपने गाय दिखाई है वो लगभग 12-13-14 लीटर की दूध क्षमता की है। हाँ जी सर जी। ठीक है, इसका मोल क्या रखोगे जी? इसका सर जी 29,000 रूपए लेना है जी। 29,000 रूपए। हाँ जी लेना है। 30,000 रूपए से कम वाली यही है। हाँ जी सर जी। 30,000 रूपए से कम बजट की गाय आज ज्यादा है। हाँ जी सर। 28,000 रूपए, 29,000 रूपए और 31,000 रूपए। हाँ जी सर जी। अपने को 5-6 हजार बन जाए बहुत है सर जी। हाँ। पे बस इतना बहुत है जी। ठीक है, किसान है जी। एक गाय में 5-6 हजार या सभी में जी 5-6 हजार? एक गाय में मान के चलो 3-4 हजार रूपए बच जाते बहुत है जी। ठीक है, 3-4 हजार अगर एक गाय पे बन जाए तो अच्छा माना जाता है जी। हाँ जी सर। गाय की भी खर्चा खुराक निकल जाती है। निकल जाती है। और परिवार की भी। परिवार की जी। तो परिवार के भरण पोषण के लिए गायें। हाँ जी। आज के टाइम में बड़ा साथ निभा रही है। बिल्कुल। देसी गायों को घर घर पहुंचाने की हमारी मुहिम है। हाँ जी। हम चाहते हैं कि हर घर पे एक गाय जरूर से देसी बंदे, ताकि बच्चे हष्टपुष्ट हों। हाँ जी सर। हमारे भी। हाँ जी सर जी। उनमें भी तंदुरुस्ती हो। हाँ जी। उनमें भी सेहत को बढ़ावा मिले। हाँ जी। मोल आपका ये फाइनल है जी? फाइनल है जी। ठीक है, कुछ गुंजाइश रहेगी? बस मान सम्मान कर देंगे। कोई मान सम्मान करेंगे। हाँ जी। ठीक है जी, अगली गाय लास्ट और देख लेते हैं जी। हाँ जी। वीडियो की लास्ट गाय है। हाँ जी। और लास्ट में फिर से ब्याई हुई गाय। हाँ जी सर जी। ब्याई हुई से ही शुरुआत की थी। हाँ, और ब्याई हुई गाय पे ही लास्ट में आए हैं। हाँ जी। ये कौन से ब्यांत की है जी? ये सर जी सेकंड बार में है। कमजोर है जी हेल्थ में। हाँ जी। हाँ जी। हेल्थ में वीक है। हाँ जी। बच्चा क्या है जी इसके साथ? इसके सर जी थार पार्कर की बछड़ी है जी। अच्छा, ये बछड़ी थार पार्कर की है। थार पार्कर की है जी। तो ये गाय से ज्यादा अच्छी है। हाँ जी सर जी। गाय से ज्यादा अच्छी है। हाँ जी। और साथ में इसके बच्ची है। बच्ची है जी। ठीक है जी। हाँ, थार पार्कर नस्ल में है। हाँ जी। हाँ जी। तो इसीलिए तो गाय अच्छी है क्योंकि इसके साथ में बच्ची है। हाँ जी। हाँ जी। दूध क्या उम्मीद रखें जी गाय से? ये सर जी अभी 12 लीटर निकाल रहे हैं। 12 लीटर? हाँ जी। हाँ। बॉडी से कमजोर लग रही है जी? बिल्कुल सर जी, बस बच्ची को पिला के 5.5 लीटर निकाल लेते हैं। निकाल लेते हो? हाँ जी। हाँ जी। इतना मिल जाता है? हाँ जी सर जी। ठीक है जी। हाँ जी। क्या मोल रखोगे जी? इसका सर जी 31,000 रूपए लेना है फिर से। 31,000 रूपए? हाँ जी। और बच्ची की वजह से है? बिल्कुल जी बिल्कुल। ये कीमत बच्ची की वजह से लग रही है? हाँ जी सर जी। साथ में बच्ची है इसलिए 31,000 रूपए भाई साहब ने डिमांड की है। हाँ जी सर जी। व्यूअर्स आपको कैसी लगी गाय, आप हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। हाँ जी। और साथ में ये बछड़ी कैसी लगी ये भी कमेंट में जरूर से लिखें। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है जी। दीपक जी भाई साहब अच्छी गाय दिखाई है जी। हाँ जी सर जी। उम्मीद करता हूँ दर्शकों को भी ये गाय इतनी अच्छी लगी हुई जैसी मैं सामने देख पा रहा हूँ। हाँ जी सर जी। गाय अच्छी है और कुछ गायों के साथ बच्ची है। हाँ जी। हाँ जी। व्यूअर्स आपको कैसी लगी गाय कमेंट में जरूर से बताएं। हाँ जी। शेयर जरूर करें और शेयर जरूर से करें। हाँ जी। और लाइक करने के साथ साथ वीडियो में जो कमेंट सेक्शन है। हाँ जी। उसमें जय गो माता लिख के जरूर से मनोबल बढ़ाएं। जी जरूर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम राम जी भाई साहब। राम राम। जय गो माता। जय गो माता जी।